हम देखेंगे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पांच तरीके में, तो हम देखेंगे पांच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में। पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। आइसोथर्म का मीनिंग है, आइसो मतलब कॉन्स्टेंट, थर्म का मतलब टेम्परेचर। सो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब है दिस आर द ग्राफ विच आर ड्रॉन बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब ऑन वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल यहां ले सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब ऑन वाई एक्सिस एंड पार्शियल प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ये वो ग्राफ है जिनको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में हम वाई एक्सिस पे अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब लेंगे और एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर लेके अगर एक ग्राफ डालेंगे उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स पांच प्रकार के हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर एंड टाइप फाइव। पहले हम देखेंगे टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। ये तीनों आपको नॉन पोरस पार्टिकल का एडसॉर्प्शन के बारे में बोलते हैं। अगर एडसॉर्बिंग स्पीसीज नॉन पोरस है तो वो टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री का एग्जाम्पल है। अगर एडसॉर्प्शन स्पीसीज पोरस है वो टाइप फोर एंड टाइप फाइव आपको पोरस एडसॉर्प्शन स्पीसीज के बारे में बोलता है। टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री आपको नॉन पोरस एडसॉर्प्शन के बारे में बोलता है। टाइप फोर एंड टाइप फाइव आपको पोरस एडसॉर्प्शन के बारे में बोलता है। चलो हम शुरू करते हैं इस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। पांच प्रकार के हैं। पहले हम देखते हैं टाइप वन। टाइप वन में होता क्या है, आपने जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इंक्रीज हुआ हुआ फिर जाके लेवल अप हुआ था। ये आपको फ्रेंडली इक्वेशन के द्वारा बोला जाता है। इसमें होता क्या है, हम डायग्राम डाल के देखते हैं। सोचे कि एब्जॉर्बिंग स्पीसीज से अपने प्रेशर इंक्रीज, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज किया तो सोचो कि एब्जॉर्बिंग स्पीसीज है गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता गया। आपने प्रेशर इंक्रीज किया एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता गया होता गया। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो अमाउंट ऑफ, ये होता है अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजेस, इंक्रीज हो बट एक टाइम पे ये पूरा जो भी सरफेस है सैचुरेट होता है और मोनोलेयर फॉर्म होता है। उसके बाद भले ही आप प्रेशर इंक्रीज करो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इस चीज को दर्शाता है ये फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस लेवलिंग ऑफ ग्राफ लेवल्ड हो जा रहा है, उस वो लेवलिंग ऑफ दर्शाता है मोनोलेयर फॉर्मेशन। अब इसके बाद आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करो आपका एडसॉर्प्शन नहीं होगा। एंड इसके एग्जांपल्स क्या है, नाइट्रोजन एंड चारकोल, नाइट्रोजन ऑन चारकोल एट माइनस 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके एग्जांपल है नाइट्रोजन ऑन चारकोल एट माइनस 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम देखते हैं टाइप टू एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, विल सी टाइप टू। टाइप टू एडसॉर्प्शन आइसोथर्म आपको बेटिक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है। इसमें होता क्या है, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब भी इंक्रीज होगा होगा, फिर एक पॉइंट पे वो लेवल्ड ऑफ होना शुरू होगा। फर्दर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फर्दर अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां हो क्या रहा है हम देखेंगे। यहां से यहां तक ये ग्राफ दर्शाता है मोनोलेयर फॉर्मेशन। अब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किए अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब भी इंक्रीज होता गया। फर्दर आप प्रेशर पे इंक्रीज करिए तो मल्टीलेयर, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन बोल रहा है मल्टीलेयर फॉर्मेशन। जैसे फर्दर आप प्रेशर को इंक्रीज करते गए तो अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब भी इंक्रीज होते गया होते गया होते गया होते गया, ऐसे हो रहा है अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज क्योंकि मल्टीलेयर फॉर्म हो रहा है। ये चीज आपको ये ग्राफ दर्शाता है, ये ग्राफ मोनोलेयर फॉर्मेशन दर्शाता है एंड ये ग्राफ यहां से यहां तक मल्टीलेयर फॉर्मेशन दर्शाता है। ये आपको बेटिक क्वेश्चन के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैं आपको पूरा डीप में नहीं जाऊंगा, बस आपको इजी वे से समझा दूंगा एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स होते क्या है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन ऑन आयरन एट माइनस 1950 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं टाइप थ्री। ये भी तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो भी एब्जॉर्बिंग सीरीज है नॉन पोरस है क्योंकि टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री नॉन पोरस एब्जॉर्बर को दर्शाता है। टाइप थ्री देखेंगे अब क्या हुआ, पहले टाइप वन में मोनोलेयर फॉर्म हुआ, मल्टीलेयर तो फॉर्म नहीं हुआ।
टाइप टू में मोनोलेयर फॉर्म होने के बाद मल्टीलेयर फॉर्म हुआ, टाइप टू में मोनोलेयर फॉर्म होने के बाद मल्टीलेयर फॉर्म हुआ, टाइप थ्री में होता क्या है, यहाँ पर मोनोलेयर फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट मल्टीलेयर होता है। इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रेशर पे इंक्रीज करते जाओगे अमाउंट ऑफ गैस अब्सॉर्ब भी इंक्रीज होते जाएगा होते जाएगा और इंक्रीज होता ही जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, अमाउंट ऑफ, कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहे थे, कहीं भी आपको डिफ्लेक्ट, यहाँ पर डिफ्लेक्शन है यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मोनोलेयर फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तभी ये ग्राफ पॉसिबल है। देखते हैं होता क्या है, अब्सॉर्बिंग सीरीज है, गैस मॉलिक्यूल पहले आके अब्सॉर्ब होते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा अब्सॉर्ब हो गया। अब नेक्स्ट आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो इनकमिंग गैस मॉलिक्यूल को दो ऑप्शन है, इधर वो जाके यहां बैठ सकता है या इस मॉलिक्यूल के ऊपर ऑलरेडी जो गैस मॉलिक्यूल बैठे उसके ऊपर बैठ सकता है, क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल के ऊपर बैठ के ज्यादा एनर्जी खो सकता है, एनर्जी ऑफ कंडेंसेशन इज मोर, यहां पर कंडेंस मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर सेम मॉलिक्यूल बैठना, अगर यहां पर जाके कंडेंस होता है, इस कंडेंसेशन की वजह से ज्यादा एनर्जी लूज करता है बिना कि वो जाके अब्सॉर्ब होने से भी कंडेंसेशन होने के लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज मोर देन हीट ऑफ अब्सॉर्प्शन, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज मोर मतलब हीट ज्यादा रिलीज कर रहा है वो अब्सॉर्ब होने से, मतलब ज्यादा एनर्जी लूज हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबल वो यहां हो रहा है ना कि यहां जाके अब्सॉर्ब होने से, कंडेंस होने से ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए वो जाके मॉलिक्यूल के ऊपर कंडेंस होना चाहता है, पहले तो अब्सॉर्ब होता है बाद में कंडेंस होना चाहता है। यहां पर मोनोलेयर, देखो मोनोलेयर फॉर्म नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीलेयर, नो फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर है, डायरेक्ट मल्टीलेयर हो रहा है, इसलिए आपको ग्रेजुअल इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गैस अब्सॉर्ब, जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वो आपको यहां दिखाई देगा। इसका एग्जाम्पल है ब्रोमिन ऑन सिलिका जेल, ब्रोमिन ऑन सिलिका जेल एट 750 डिग्री सेंटीग्रेड और 790 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट टाइप फोर। अब ये तीनों नॉन पोरस थे, टाइप फोर से अब पोरस स्टार्ट हुआ, तो देखते हैं होता क्या है। यहां पर इनिशियली आप जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे अमाउंट ऑफ गैस अब्सॉर्ब भी इंक्रीज होता जाएगा पर एक पॉइंट के बाद डिफ्लेक्ट होके फिर से इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ गैस अब्सॉर्ब, ये दिखाता गया है, हम देखते हैं। तो आपके पास अब्सॉर्बिंग स्पीसीज है, अब ये पोरस रहना चाहिए, तो पोरस को मैं ऐसे दर्शाता हूं, जो कि एक पोरस स्पीसीज है, इसके अंदर पोर्स है, जब गैस मॉलिक्यूल आके उसको जैसा प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस मॉलिक्यूल आके अब्सॉर्ब होगा एंड वो पोर में नहीं जाएगा, पहले वो मोनोलेयर फॉर्म करने की कोशिश करेगा। एक बार मोनोलेयर फॉर्म हो गया तो ये ग्राफ यहां से यहां तक आपको मोनोलेयर का चीज को दर्शाता है। अब ये ग्राफ यहां से यहां पर फर्दर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, मल्टीलेयर मॉलिक्यूल यहां बैठने के वजह, क्योंकि हमारे पास पोर है, ये जो मोनोलेयर मॉलिक्यूल है वो अंदर जाके कंडेंस होने की कोशिश करेंगे, मतलब तो पोर के अंदर जाएंगे डायरेक्ट, ये ग्राफ यहां से यहां तक पोर कंडेंसेशन को दर्शाता है, पोर कंडेंसेशन, ये जो ग्राफ यहां से यहां तक है ये ग्राफ आपको पोर कंडेंसेशन, पहले तो मोनोलेयर फॉर्म हुआ, आपको देखो ऐसे बोल सकता हूं मैं, सोचिए कि ये पोरस पीसेस है, यहां पर पोर्स है, गैस मॉलिक्यूल आ रहा है, पहले बैठा है यहां पर, बैठ के वो मोनोलेयर फॉर्म हुआ, अंदर पोर में नहीं गया लेकिन यहां बैठ के मोनोलेयर फॉर्म हुआ, मोनोलेयर फॉर्म होगा, फर्दर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो ये जो गैस मॉलिक्यूल मोनोलेयर फॉर्म हुआ वो कंडेंस होगा और नेक्स्ट मॉलिक्यूल आके फिर उसके ऊपर बैठेगा, तो ऐसे पोर कंडेंसेशन होगा, ये जो पोर कंडेंसेशन है वो ये ग्राफ दर्शाता है, जो मोनोलेयर फॉर्मेशन है वो ये ग्राफ दर्शाता है। अब इसका एग्जाम्पल है बेंजीन और आयरन ऑक्साइड, एग्जाम्पल बेंजीन ऑन आयरन ऑक्साइड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी आप आइसोथर्म बोल रहे हो तो आप टेम्परेचर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आइसोथर्म से टेम्परेचर कांस्टेंट,
नेक्स्ट टाइप फाइव। अब टाइप फोर में तो पोरस था, मोनोलेयर फॉर्म हो, अब जैसे टाइप फाइव में मोनोलेयर फॉर्म नहीं होगा, डायरेक्ट पोर कंडेंसेशन होगा। डायरेक्ट पोर कंडेंसेशन होगा, ये सब कुछ आएगा टाइप फाइव। तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोचेगा आपके पास रिजर्विंग स्पीसीज है और वो पोरस है, आपके पास पोरस अब्जॉर्बिंग स्पीसीज है, अब जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, टाइप फाइव बोल रहा है, ओके, जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो डायरेक्ट मोनोलेयर फॉर्म होने की वजह से, मोनोलेयर फॉर्म नहीं होगा, डायरेक्ट जाके वो कंडेंस हो जाएगा, गैस डायरेक्ट पोर के अंदर कंडेंस होता है। इन टाइप फोर में पहले मोनोलेयर फॉर्म हो उसके बाद कंडेंस हो, लेकिन यहां पर डायरेक्ट आपको कंडेंसेशन मिलता है, डायरेक्ट पोर कंडेंसेशन आपको देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल है वाटर वेपर ऑन चारकोल एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहां ध्यान में ये रखना है कि टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री नॉन पोरस बोलते हैं, तो इनका एक पैटर्न है, टाइप वन में मोनोलेयर फॉर्म होकर स्टॉप हो जाएगा, टाइप टू में मोनोलेयर फॉर्म होगा फिर मल्टीलेयर फॉर्म होगा, टाइप थ्री में मोनोलेयर और नहीं फॉर्म होगा, डायरेक्ट मल्टीलेयर फॉर्म होगा, ये इसका पैटर्न है, पहले मोनोलेयर मल्टीलेयर फिर डायरेक्ट मल्टीलेयर। अब अगर पोरस, ये तीनों नॉन पोरस, अगर वो पोरस है तो पहले मोनोलेयर फॉर्म होगा उसके बाद पोर कंडेंसेशन होगा, नेक्स्ट मोनोलेयर नहीं है डायरेक्ट पोर कंडेंसेशन। तो आपको याद ये रखना है टाइप फाइव और टाइप थ्री में नो मोनोलेयर फॉर्मेशन, डायरेक्ट यहां पर मल्टीलेयर होता है, यहां पर डायरेक्ट पोर कंडेंसेशन होता है। अगर इस प्रकार से आप याद रहोगे तो आपको इजी होगा, अब्सॉर्प्शन ऐसा होता है। थैंक यू।